बंद करो जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो जम्मू कैंपस जिंदाबाद जम्मू कैंपस जिंदाबाद जम्मू कैंपस जिंदाबाद लेंटोर हाय हाय लेंटोर हाय हाय जुटी गवर्नमेंट हाय हाय जुटी गवर्नमेंट हाय हाय जुटी गवर्नमेंट हाय हाय जुटी गवर्नमेंट हाय हाय लेंटोर हाय बंद करो जम्मू केमिस्ट एसोसिएशन जिंदाबाद। जहां तक रिलायंस स्टोर का सवाल है, मुझे नहीं समझ आता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर प्रोविंस की हो, स्टेट की हो या सेंटर की हो, ये किस किस्म, मतलब एक पर्टिकुलर एक या दो जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको किस क्यों फेवर कर रहे हैं? आम लोगों के साथ, आम दुकानदारों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमें प्रॉब्लम उसमें है। अगर रिलायंस, जिस तरह जनता कहती है कि सस्ती चीज़ें मिलेंगी उनको, सेम रेट पे हमें दें, हम भी सेवा करेंगे, लोगों की सस्ते रेट पे देंगे। ये दोहरा रेट पॉलिसी क्यों, इसको ख़त्म करें आप। और छोटे दुकानदार और मिडिल जो दुकानदार मध्यम वर्ग के, उनको आप क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? एक विधान एक संविधान तो एक ही रेट। देखिए नहीं, हम जम्मू केमिस्ट एसोसिएशन वाले, हमारे पूरे प्रोविंस में आज जम्मू बंद है और जम्मू फार्मा एसोसिएशन वाले बंद है, और ये जो हमारे साथ गवर्नमेंट या हमारी कंपनी है भेदभाव करती हैं, रिलायंस वाले को सस्ते ही माल देके उनसे सस्ता भिजवाएंगे, हमें महंगी दवाई देके हम बाज़ारों में महंगा बेचेंगे, उसके साथ हमारी दुकानदारी ख़त्म होगी। अगर मोदी साहब कहते हैं एक विधान एक संविधान एक झंडा एक निशान, तो फिर हमारे रेट अलग अलग क्यों होते हैं? ये सब चीज़ एक जैसी करो ना। और जम्मू के साथ, जम्मू और कश्मीर अगर ड्यूटी बनी है तो उसके साथ भी एक विधान एक संविधान ही रखो ना। क्यों ड्यूटी वाले जम्मू ड्यूटी वालों को तंग कर रहे हैं और कश्मीर वालों को पूरी सहूलत दे रहे हैं? रिलायंस के स्टोर अगर खुल गए तो खाली जम्मू में खुल गया या क्या? ये भेदभाव नहीं। एक बार आप कश्मीर में रिलायंस का स्टोर खोल के देखो, अगर वो उखाड़ के नहीं फेंक देंगे। मैं सबको एक बार दोबारा बताऊंगा, रिलायंस वाला स्टोर कभी कश्मीर में नहीं खुलेगा, खाली जम्मू में खुलेगा। जो भी बेस्ट प्राइस रहता है, वॉलमार्ट या जितने भी आ रहे हैं जो चेनदारी हैं, वो खाली जम्मू के लिए हैं। क्या कश्मीर में दुनिया नहीं रहती? कश्मीर में खोलो ना। और पंजाब में इन्होंने ऐसा किया था, पंजाब वाली जनता इकट्ठी हो गई थी, उन्होंने सारे रिलायंस के टावर भी फाड़ के फेंक दिए थे, कहीं जम्मू वाले लोग इतना नहीं बढ़ जाए कि पंजाब की तरह अपने आप को एग्रेसिव करके रिलायंस के स्टोर, रिलायंस के टावर और रिलायंस के नेटवर्क को टोटली ख़त्म कर दें। और मैं फिर तकीद करता हूँ हर अपने शहरी को, आप जम्मू वाले दुकानदारों का साथ दो, और अगर आप साथ दोगे हमें भी हमें सस्ती दवाई मिलेगी, हम भी आपको सस्ती दवाई देंगे, ऐसी बात नहीं। धन्यवाद।
ਕੁੜੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਮਿਗੀ ਸਾਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਛੱਡੀਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ 40 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆ ਸੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਓ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੰਗੂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਗਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਇਸੇ ਰੇਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪਿਆ ਹੈ ਰੇਲ ਰੱਖੀ ਉਹਦੀ ਮੁੜਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਸ਼ੈਲ ਪਾਲੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾ ਲਓ ਅਸੀਂ